स्वागत है गाइस देखे हुए चैनल पे। तो गाइस काफ़ी सारे लोगों का डाउट था कि इन्फिनिक्स 035G में जो रैम ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसा है। तो अभी मैंने इस फ़ोन के अंदर ना बहुत सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर ली है और अभी तक जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला है ना वो ये है कि फ़ोन जैसे ही थोड़ा बहुत गर्म होने लगता है ना ये पीछे वाले एप्लीकेशंस को किल करना शुरू कर देता है। भले ही इसमें 12 GB की रैम है और 256 GB का स्टोरेज है UFS 3.1, लेकिन आई थिंक ये बैटरी को सेव करने के लिए या फिर इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है इसी तरीके से उन्होंने सेट किया है कि भाई ये पीछे एप्लीकेशंस को किल करता है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने रियल टाइम के अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ओपन करूंगा, ठीक है, और आप खुद काउंट करना कितनी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में ओपन है और कितनी एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद ही किल करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी एप्लीकेशन अभी बैकग्राउंड में चल नहीं रही है। CPU मॉनिटर मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, क्यों ऑन कर रहा हूँ अभी आपको दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, तो सेटिंग्स में यदि हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं रनिंग सर्विसेज, ठीक है, आप रनिंग सर्विसेज में आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको गाइस देखो देखने को मिलेगा, ये बता रहा है फ्री रैम है 7.8 GB ऑफ रैम, ठीक है, और जो ऐप्स में दिखा रहा है 1.2 GB ऑफ रैम, ठीक है, बट ये सही पिक्चर नहीं देता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है फ़ोन के अंदर। तो मैं आपको अब दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं CPU मॉनिटर में आता हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए आप, मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो गाइस मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे देखो यूज रैम दिखा रहा है 5 GB के आसपास और जो टोटल रैम है वो है 11.24 GB। अब जब हम एप्लीकेशन वगैरह इसमें ओपन करेंगे ना तो ये जो यूज रैम वाला पोर्शन है वो भरता चला जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं तो अभी हमको पता पड़ गया आइडियल सिनेरियो के अंदर जो यूज रैम वाली है वो हमारी 5 GB है और जो अवेलेबल रैम है वो है 11.24 GB। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक एप्लीकेशन से मैं ओपन करता हूँ आपके सामने, आप काउंट करते जाना। तो सबसे पहले हम अमेज़ॉन का प्राइम वीडियो ओपन कर देंगे, मिनिमाइज, उसके बाद हम बुक माय शो ओपन कर देंगे, इसको खुलने देंगे, कोई मूवी जैसे जवान मूवी है इसको हम ओपन कर देते हैं, इसको कर देते हैं मिनिमाइज। तीसरा है सोनी लिव, इसको हम ओपन करते हैं और इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। चौथा है हमारा Z5, इसको भी हम ओपन होने देते हैं और यहाँ पे कोई भी टीवी सीरीज लाइक गदर को ओपन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको कर देते हैं मिनिमाइज। यहाँ पे PVR हम ओपन कर लेते हैं अब, और PVR को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसको भी मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको जवान पे क्लिक करके, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। फिर हम डोमिनोज वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं मिनिमाइज। नेक्स्ट है स्विगी गाइज, तो अभी इसको ओपन किया हमने, इसको भी हम कर देते हैं मिनिमाइज। फिर हम जोमैटो को ओपन करते हैं, जोमैटो को भी कर देते हैं हम अभी मिनिमाइज। जियो मार्ट को ओपन करते हैं, स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी जैसे मोबाइल एंड पीसी को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आई थिंक आईफोन वगैरह दिखाना शुरू कर देगा, तो ये वाली जो स्क्रीन है इसको हम रहने देते हैं यहाँ पे। फिर इसको हम कर देंगे मिनिमाइज। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, कर देते हैं मिनिमाइज। एंटीटू बेंचमार्क को ओपन कर लेते हैं, फिर हम इसको कर देंगे मिनिमाइज। ठीक है, अभी तक देख लेते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में है। तो अमेज़ॉन है, बुक माई शो है, सोनी लिव है, Z5 है, PVR है, डोमिनोज है, स्विगी है, जोमैटो है, जियो मार्ट है, कैलकुलेटर है, एंडिटू बेचमैक। तो कई सारी एप्लीकेशन अभी यहाँ पे इन्होंने इसको होल्ड कर रखा है, अभी तक किसी एप्लीकेशन को किल नहीं किया है। अब मैं हॉटस्टार को खोलता हूँ, डिज्नी हॉटस्टार, तो इसको भी हम खुलने देते हैं और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये वाली जो सीरीज़ है मेगा फेस्टिवल्स, ठीक है, कर देते हैं मिनिमाइज। फिर एडोबी फोटोशॉप को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन करके मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं, फिर कर देते हैं मिनिमाइज। पिक्सआर्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको कर देता है मिनिमाइज। मैजिक फ्लूड एक एप्लीकेशन है यहाँ पे गेम टाइप की, इसको हम ओपन करके इसको मैं कर दूंगा मिनिमाइज। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे वेदर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, फिर इसको कर दूंगी मिनिमाइज। कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको भी हम मिनिमाइज कर देंगे गेम को भी। ठीक है, तो जिससे हमको समझ में आए कि कितनी एप्लीकेशन पीछे बैकग्राउंड में ये सस्टेन कर सकता है फ़ोन, और इसके बेस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि इसका ऑप्टिमाइजेशन कैसा है और आपको ये डिवाइस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो अभी गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फीचर्ड पे आ जाता हूँ, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, फीचर पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाता है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो गेम भी मिनिमाइज़ कर दिया मैंने अभी तक। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा CPU मॉनिटर में जाता हूँ, तो वहाँ पे अभी क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे अभी यूज रैम सेक्शन आप देखो गाइस, यहाँ पे दिखा रहा है 7.38 GB, तो पहले 5 GB था, अब
7.38 GB दिखा रहा है, मतलब 2.5 GB यूज्ड हो चुकी है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ये जो बैटल ग्राउंड मोबाइल है इसको ओपन करके मिनिमाइज़ कर देता हूँ। फेसबुक ओपन कर लेते हैं, इसको भी हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। स्पॉटिफाई ओपन कर लेते हैं, इसको भी हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, WPS ऑफिस को ओपन कर लेते हैं और इसको भी हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, ये तो स्पॉटिफाई ओपन कर लिया। अब यहाँ पे काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज अभी मैं देखते हैं कितने एप्लीकेशंस अभी बैकग्राउंड में ओपन है। प्राइम वीडियो को ओपन किया, ओपन है। ठीक है, बुक माई शो भी यहाँ पे ओपन है, सोने लिप भी ओपन है, Z5 भी ओपन है, PVR भी ओपन है, डोमिनोज यहाँ पे दोबारा रीलोड हो गया, तो डोमिनोज यहाँ पे किल हो गया था। ठीक है, स्विगी भी ओपन है, जोमैटो भी यहाँ पे खुला हुआ है, जियोमार्ट भी खुला हुआ है, कैलकुलेटर खुला हुआ है, एंटीटू स्कोर यहाँ पे खुला हुआ है, हॉटस्टार यहाँ पे खुला हुआ है, एडोबी फोटोशॉप का जो प्रोजेक्ट है वो ओपन है, पिक्सआर्ट भी ओपन है, और ये मैजिक फ्लूड वाला भी ओपन है, कॉल ऑफ ड्यूटी वाला जो गेम है वो भी गाइज अभी ओपन है, मेमोरी में इसमें रखा हुआ है, प्ले स्टोर भी ओपन है, उसके बाद फेसबुक भी ओपन है, स्पॉटिफाई भी यहाँ पे खुला हुआ है। तो अभी तक तो उसने सारी एप्लीकेशंस को रखा है, दो तीन एप्लीकेशन को छोड़ के। यहाँ पे WPS ऑफिस दोबारा लोड हुआ था। ठीक है, अब मैं कुछ और एप्लीकेशंस ओपन कर लेता हूँ, लाइक गैलरी भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ कैमरा एप्लीकेशन ओपन करके इसको कर देते हैं पोर्ट्रेट पे मिनिमाइज़। ठीक है, यहाँ पे हम यूट्यूब को भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे गाइज सर्च कर लेते हैं टेक एवीएच। तो गाइज आपने यदि टेक एवीएच को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, प्यार दिखाओ अपना। वीडियोज़ बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है गाइज, वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और आप यदि सब्सक्राइब कर दोगे तो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इसको भी हम कर देते हैं मिनिमाइज़। गूगल मीट को भी हम ओपन करते हैं, इसको भी हम कर देते हैं मिनिमाइज़, और फाइल्स को भी ओपन करते हैं, इसको भी हम कर देते हैं कंटिन्यू करके अलाउ, उसके बाद मिनिमाइज़। ठीक है, अब हम यहाँ पे गेम प्ले करके देखते हैं COD का। तो सारी एप्लीकेशंस अभी बैकग्राउंड के अंदर है, COD वाली एप्लीकेशन भी बैकग्राउंड के अंदर है। यहाँ पे मैं एक गेम प्ले भी खेल के देखता हूँ आपके सामने, तो ये बाकी सारी एप्लीकेशंस को होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है हमको वो भी पता पड़ जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक गेम शुरू कर देता हूँ COD का, जो कि 5 मिनट के आसपास होता है, बट आप टेंशन ना लो, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो गाइज हमारा गेम जो है वो ख़त्म हो गया, मैंने स्किप कर दिया, मेरे को हल्का सा गर्म यहाँ पर डिवाइस फील हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई फ़ोन पकड़ा नहीं जा सकता। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस को इसने अभी तक होल्ड कर रखा है। ठीक है, शुरुआत करेंगे अमेज़ॉन से, ये ठीक है, यहाँ पे बुक माई शो भी सही है, सोनी लिप भी इसने रख रखा है, Z5 भी रखा हुआ है, PVR गाइज यहाँ पे रीलोड हो गया है, डोमिनोज भी इसने रखा हुआ है, स्विगी रखा हुआ है, जोमैटो को किल कर दिया है, जोमैटो को भी किल कर दिया, इसने दोबारा रीलोड किया है। ठीक है, जियोमार्ट जो है एप्लीकेशन रखा हुआ है इसने, कैलकुलेटर ठीक है, एंटीटू बेंचमार्क ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार को भी इसने रखा हुआ है, एडोबी फोटोशॉप को भी इसने रखा हुआ है। ठीक है, काइन मास्टर को इसने किल कर दिया है, मैजिक फ्लूड को भी इसने रखा हुआ है, कॉल ऑफ ड्यूटी तो हम खेल ही रहे थे उसको रखा हुआ है। ठीक है, पिक्सआर्ट को भी इसने किल कर दिया है। ठीक है, फेसबुक रखा हुआ है, स्पॉटिफाई भी इसने रिफ्रेश हल्का सा किया, मतलब स्पॉटिफाई भी इसने किल किया था, WPS ऑफिस भी इसने किल किया था। ठीक है, तो गाइस कुछ कुछ एप्लीकेशंस नहीं किल करता चला जाता है, भले ही इसमें 12 GB की रैम हो। अभी CPU मॉनिटर में आता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं कितनी रैम बाकी है। तो अभी यूज रैम सेक्शन दिखा रहा है 8.21 GB, गाइस आप ध्यान से देखो यहाँ पे 8.21 GB। ठीक है, तो इतनी रैम अभी यूटिलाइज हो रही है, और जैसे ही ये 8 GB या 8.5 GB के आसपास रैम यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है ना, तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो डिवाइस है ना वो किल करना शुरू कर देता है एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बैकग्राउंड में, अभी देखो यहाँ पे 12 एप्लीकेशंस तो ये हो गई, मतलब 15-16 एप्लीकेशंस यदि आपने खोल रखी है तो 3-4 एप्लीकेशंस को ये किल करना शुरू कर देता है बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो यदि आप 3-4 एप्लीकेशंस यूज़ करते हो मिनिमाइज़ करने के बाद तो ये फ़ोन बढ़िया काम करेगा, लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि 12 GB रैम के साथ ये 30 एप्लीकेशन, 40 एप्लीकेशन, 50 एप्लीकेशन मिनिमाइज़ फॉर्म में रख के वहीं से स्टार्ट करते, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक इसका ऑप्टिमाइजेशन इसी तरीके से है, 10-12 एप्लीकेशन तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एप्लीकेशन जाती है तो उसको किल करना शुरू कर देता है, आई थिंक बैटरी प्रिजर्व करने के लिए भी, क्योंकि अभी मैं इसको डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ 144 Hz पे, और अभी तक 5000 mAh बैटरी के साथ ना जो मेरे को बैटरी बैकअप मिला है वो 5.5 घंटे के आसपास ही मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 144 Hz पे आपको मज़ा तो बहुत आएगा डिस्प्ले को यूज़ करने में, बहुत स्मूथ लगेगा, बहुत बैटरी स्मूथ लगेगा, बट आपकी जो बैटरी कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको बैटरी लाइफ चाहिए तो 120 Hz पे इसको आप स्विच कर सकते हो।
ठीक है, बट मेरे को 144 Hz पसंद आ रहा है इस डिवाइस का, जो कि काफ़ी सही है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि सारी एप्लीकेशन को किल कर देता है। जैसे ही नंबर ऑफ एप्लीकेशन 13-14 होने लगती है और आपका एक गेम जैसे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पे खेला, ठीक है, बैकग्राउंड में रन कर रहा है, तो उसके बाद ये प्रोसेस को किल करना शुरू कर देता है। बट क्या एक दो एप्लीकेशन को भी किल कर देता है? ऐसा नहीं है इस डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो यदि आप जैसे भी रियलमी के कुछ डिवाइस चाइना में लॉन्च हुए, उसमें 12 GB RAM है, किसी में 15 GB RAM है, तो वहाँ पर वो क्लेम कर रहे हैं कि आपके सिस्टम के अंदर 76 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर सकती है। तो यहाँ पे 12 GB RAM है तो आप आराम से 7-8 एप्लीकेशन तो बैकग्राउंड में रख सकते हो, आपको कोई इश्यूज नहीं आने वाले। लेकिन उसके बाद आप जाओगे ना तो ये किल करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे होंगे, बट इतना बुरा मेरे को लगा नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन जो है इन्फिनिक्स की, उसको डिसेबल करके रखना। उसका जो वीडियो है आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप देख लेना, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। तो सारी एप्लीकेशन यदि आप इन्फिनिक्स की डिसेबल कर दोगे तो कोई भी आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी कि भाई ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अब यदि हम दोबारा से CPU मॉनिटर में ओपन करता हूँ, ठीक है, तो जो बैटरी टेम्परेचर है और जो हमारा CPU का टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो इसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो आपका फ़ोन है ज़्यादा गर्म ना हो, और जो कैमराज वगैरह हैं काफ़ी अच्छा डिसेंट परफॉर्म करते हैं प्राइस के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स ने काफ़ी वेल बैलेंस्ड ये फ़ोन क्रिएट किया है। काफ़ी पतला भी है, सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले भी है, और सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से कौन से एप्लीकेशन को किल करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो गाइज होप सो एक आपको रफ आइडिया लग गया होगा कि भाई फ़ोन का सॉफ्टवेयर कैसा है और किस तरीके से एप्लीकेशन को किल करता है, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन होने के बाद किल करता है, और कितनी एप्लीकेशन को मेमोरी में रख सकता है। CPU मॉनिटर मैंने आपको दिखाई दिया, वहाँ पे जब आप एप्लीकेशन खोलते हो तो 5 GB के आसपास ये यूज़ दिखाता है, जब आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ाओगे तो 8.5 GB तक ये पहुँच गया था, फिर इसने नंबर ऑफ एप्लीकेशन को किल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यदि आप गाइज ये डिवाइस खरीदने वाले हो तो 12 GB वाला जो वेरिएंट है मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, 1000 रुपये का ही डिफरेंस है, तो यही वाला वेरिएंट आप लेना। और इसका डिस्प्ले मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और बाकी मैं वीडियोस बना ही रहा हूँ इस डिवाइस को टेस्ट कर ही रहा हूँ, और यदि आपके कोई भी डाउट हो इस डिवाइस से रिलेटेड तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और यदि आपको वीडियो गाइस हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो भाई बिंदास अपना प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।